तुम जानते हो इंसानों की सबसे बड़ी गलती क्या है? तुम भगवान में तो मानते हो, लेकिन भगवान की एक नहीं मानते। राम सेतु को बचाने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 दिन है। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल RR फिल्मी मीडिया में। आज हम जानेंगे इस हफ्ते रिलीज हुई बॉलीवुड की 2 सबसे बड़ी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। इन 2 फिल्मों को रिलीज हुए आज बॉक्स ऑफिस पर 4 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। तो बात करेंगे कि इन दोनों फिल्मों में 4 दिनों में कौन सी फिल्म ने ज्यादा कमाई की और कौन सी फिल्म ने कम, कौन सी फिल्म हिट रही और कौन सी फिल्म रही फ्लॉप। इसीलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे और आपके अपने इस RR फिल्मी मीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो बात करें सबसे पहली फिल्म अजय देवगन स्टार मूवी थैंक गॉड के बारे में, जिस मूवी में हमें अजय देवगन के साथ देखने को मिल रहे थे सिद्धार्थ मल्होत्रा और रकुल प्रीत। आपको बता दें कि इस फिल्म का जिस प्रकार से ओपनिंग आया था तो देख के लग रहा था कि आने वाले 1 से 2 दिनों के अंडर में ये फिल्म अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। लेकिन ग्रोथ तो छोड़ दीजिए, ये फिल्म ग्रोथ के चक्कर में ये और भी ज्यादा ड्रॉप होती जा रही है। बात करें पहले दिन के कलेक्शन के बारे में, तो पहले दिन इस फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन था 8 करोड़ 10 लाख रुपए, दूसरे दिन का इंडिया नेट कलेक्शन था 6 करोड़ रुपए, वहीं चौथे दिन तो और भी ज्यादा ड्रॉप देखने को मिला और मूवी ने कमाई की इंडिया नेट कलेक्शन 4 करोड़ 10 लाख रुपए। बात करें चौथे दिन, तो चौथे दिन इस फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन सिर्फ और सिर्फ 3 करोड़ 50 लाख रुपए, जिसके साथ साथ फिल्म का अभी तक का 4 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन रहा 21 करोड़ 70 लाख रुपए, जिसका ग्रोस कलेक्शन रहा 25 करोड़ 80 लाख रुपए। 4 दिनों में वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन थैंक गॉड मूवी ने कमाई की 34 करोड़ रुपए, जहां पे इस फिल्म का बजट 70 करोड़ रुपए है और फिल्म में 2 सुपरस्टार होने के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ 4 दिनों में 34 करोड़ की कमाई की। और दिवाली की इतने बड़े वेकेशन पे भी इस फिल्म ने अच्छी कमाई नहीं की, तो ये देख के लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये फिल्म पूरी तरह से ड्रॉप हो सकती है और अजय देवगन की ये थैंक गॉड फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बुरी तरह से फेल और फ्लॉप फिल्म साबित हो जाएगी। अब बात करें दूसरी तरफ से फिल्म राम सेतु, जिस मूवी के अंदर हमें लीड रोल में देखने को मिल रहे थे अक्षय कुमार, नुसरत, सत्यदेव और जैकलिन फर्नांडिस। राम सेतु फिल्म का टोटल बजट लगभग 85 करोड़ के आसपास है और इस फिल्म को रिलीज होते ही क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिव्यू मिले, वहीं पब्लिक की तरफ से काफी पॉजिटिव रिव्यू देखने को मिल रहा है, जिसके कारण इस मूवी का जो थैंक गॉड से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है काफी ठीक ठाक जा रहा है। वहीं इस फिल्म का पहले दिन का ओपनिंग कलेक्शन काफी बेहतरीन रहा और इस फिल्म ने अपने पहले दिन ओपनिंग में कमाई की थी इंडिया नेट कलेक्शन 15 करोड़ 25 लाख रुपए, दूसरे दिन का इंडिया नेट कलेक्शन 11 करोड़ 40 लाख रुपए, तीसरे दिन का इंडिया नेट 8 करोड़, वहीं चौथे दिन काफी ड्रॉप देखने को मिल रहा और मूवी ने सिर्फ और सिर्फ कमाई की इंडिया नेट कलेक्शन 6 करोड़ रुपए, जिसके साथ साथ फिल्म का शुरुआती 4 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन हो जाता है 41 करोड़ रुपए, जिसका इंडिया ग्रोस कलेक्शन हो जाता है 49 करोड़ रुपए और वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन में अभी तक शुरुआती 4 दिनों में राम सेतु फिल्म ने कमाई की 57 करोड़ रुपए, जहां पे इस फिल्म ने 4 दिनों में 57 करोड़ की कमाई की और इस फिल्म का टोटल बजट रहा 85 करोड़ रुपए। तो बजट के हिसाब से इस फिल्म को कमाई करने के लिए, बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए तो कमाने ही पड़ेंगे। लेकिन मूवी के कलेक्शन को देख के लग रहा है कि ये फिल्म इंडिया नेट कलेक्शन में 100 करोड़ का आंकड़ा कभी नहीं पार कर पाएगी और ये अक्षय कुमार की 5वीं फिल्म होने वाली है इस साल की, और 5वीं फिल्म होने के बावजूद ये फिल्म लगता है कि बॉक्स ऑफिस पर एक बार और फिर से फ्लॉप हो जाएगी और अक्षय कुमार का रिकॉर्ड बन जाएगा कि 1 साल के अंडर में 5 फिल्में देना और 5 फिल्में फ्लॉप। वैसे थोड़ी बहुत उम्मीद कर सकते हैं राम सेतु से आने वाले अगर दिनों में अगर ये मूवी थोड़ी सी उछाल देखने को मिली तो ये फिल्म एक डेफिनेटली हिट का टैग ले सकती है। वैसे आपकी क्या राय है, राम सेतु बॉक्स ऑफिस पर हिट होगी या फ्लॉप, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आपने मूवी देख रखी है तो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करें। और ऐसे ही डेली बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स, मूवी रिव्यू, ट्रेलर रिव्यू के लिए हमारे चैनल के नीचे लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि हमारी कोई भी नोटिफिकेशन फ्यूचर में आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।